वरुण कहाँ है? जय श्री राम। क्या हो रहा है यार, काहे के लिए बुलाया? ये अपनी हिंदू नववर्ष की तैयारी चल रही है झंडा का डंडे के लिए। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आपका फिर से मेरे एक धमाकेदार ब्लॉग में स्वागत है। तो हिंदू नववर्ष आने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए हम सब लोग आ चुके हैं। कंटक के एक छोटे से खेत में आए हैं हम लोग, यहाँ से डंडे की व्यवस्था कर रहे हैं। इधर वरुण सुबह से लगा हुआ था, देखते हैं कौन कौन आया है। जय श्री राम, जय श्री राम। कौन सा डंडा तोड़ रहे हैं? अपन तोड़ रहे हैं भैया बांस। बांस छंगा भी दिखा। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कर रहे हैं? बांस काट रहे। काहे के लिए? किससे पूछ काट रहे थे? किससे पूछ के काट रहे? अत्या क्या कर रहे हैं? तेरा क्या नाम है? जय श्री राम। जय श्री राम। तो यहाँ ये बांस का पेड़ है, इससे हम लोग ये लकड़ियों की व्यवस्था कर रहे हैं झंडे के लिए। हो गए। कैसे हो रहा है? लकड़ी ले आए हैं और इधर हम लोग अब पूरे अमरकंटक को दुल्हन की तरह सजाना शुरू कर चुके हैं। तोरण, तोरण कहते हैं ना भैया इसको, तोरण। खीला लाया है तेरे? खीला ले आना 20 रुपए का। घर के सामने दुकान है आपको, वहाँ खिला मिलता है। इंची लेना है जिसमें से जूता ठोकने वाला नहीं है हमारे पास। धर्म कार में आप अपने तरफ से 20 रुपए लगा दीजिएगा। 20 रुपए है आपके पास? हाय भाई साहब, आपके पास? सुबह दोपहर से काम चालू हुआ था और अभी शाम हो गया है। शाम तक हम लोग सजाने का काम कर रहे थे, अभी कल तक हम लोग पूरा अमरकंटक सजा देंगे। हिंदू नववर्ष की तैयारी चल रही है, तो सबको यहाँ लगे हुए हैं। मिलते हैं हम आपसे थोड़ी देर में, अभी पहले काम कर ले, ब्लॉगिंग वाद में। तो अभी लगभग रात के 10 बज चुके हैं और गोलू भैया और कुछ लोग जो हैं काफी देर से लगे हुए हैं। हालांकि कुछ लोग और लगे हुए थे, उन लोग अभी जा चुके हैं। नर्मदा मंदिर अमरकंटक से सजाना चालू किए थे। ये जो आपको पतंगी दिख रही है, ये इस तरह से पूरे अमरकंटक में लगाते लगाते इन लोग 1 किलोमीटर तक आ चुके हैं अभी, और अभी भी इन लोग जूझ रहे हैं। आज फटाफट हम ये वाला काम कर लेते हैं। हमको पहले शिवाजी टाइम बताएगा। शिवाजी अभी टाइम कितना हो रहा है मोबाइल में दिखाना जल्दी से? 12:20 है। अब हम चलते हैं गोलू भैया के पास। गोलू भैया क्या कहानी चल रही है? प्री पैकिंग की तैयारी, कल फिर मिलते हैं। तो है कि कौन हिंदू भाई जागे अभी तक? एक भी ऐसा व्यक्ति नगर का नहीं मिला जो वरिष्ठ है और हिंदुत्व के बारे में बातें सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। जमीनी स्तर पे अभी तक कोई हमको नहीं मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। जो अमरकंटक को भगवे से सजाने की तैयारी है वो जारी है। तो कल हम लोगों ने जो बांस काटा था उसको हम लोग ले आए हैं और अब उन बांसों में हम झंडा फिट कर रहे हैं। तुम्हारा क्या नाम बाबू? स्कूल नहीं गए तुम, बताओ यहाँ काम करवा रहे हो? स्कूल से हमारी छुट्टी हो गई है, तभी हम आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से अपन ये कर लेते हैं ना। इराक कितने झंडे अपन फिट कर दिए? 100 से ज्यादा। 100 से ज्यादा ना। हाँ, तो हमने पहले काम किया, उसके बाद हमने ब्लॉगिंग चालू की है। अभी धीरे धीरे हमारी जो टोली है वो बड़ी होते जा रही है। राहुल आ गए और रैली का कल कल रैली है, उसके पहले सजाना है अमरकंटक पूरा। सजाना थोड़ा बचा है, ज्यादा नहीं बचा है। बाकी सब भाई लोग हैं। छंगा, छंगा यार सबसे ज्यादा काम किया कल, 2 बजे तक रगड़ा है रात में। बोलो जय श्री राम। तो हम लोग के पास बांस की थोड़ी कमी हो गई थी, हमारे पास झंडे बहुत ज्यादा थे, डंडे कम हो गए थे। तो हम लोग फिर से आ जाए हैं डंडों की व्यवस्था करने के लिए। जय श्री राम। झंडा अब तैयार हो गया और अब सबको यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। गोलू भैया कल से शांत हो गए, रात 2 बजे तक भिड़े थे, कौन बता पाएगा? बताइए इसमें हम जी कहाँ जा रहे हो आप लोग? झंडा उंडा लेके? हम लोग सब जा रहे हैं घरों में झंडा लगाने। तो हमारे काम का भी दूसरा शिफ्ट चालू हो चुका है और अभी हम लोग वापस कल रात में जहाँ से छोड़े थे पतंगी लगाना वहीं से चालू किए हैं और अब हम लोग इसको लेके आगे जा रहे हैं। हम लोग क्या है ना, पूरे अमरकंटक को भगवा से रंग कर ही छोड़ेंगे। और अभी मेरे साथ है आशीष है, उधर शिवाजी लगा हुआ है और कुछ लोग देखने के लिए भी आए हैं वो उधर। इधर सत्यम, उधर सागर लगा हुआ है। तो चलिए हम पहले ये वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो सबसे पहले आज आप सभी को भारतीय हिंदू नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। पर अभी हम लोग सब कोई नर्मदा मंदिर के सामने इकट्ठा हो गए हैं हिंदू नववर्ष मनाने के लिए। और यहाँ मेरे पीछे देखिए तैयारियां चल रही हैं और थोड़ी देर से हम लोग यहाँ से निकलेंगे रैली के लिए।
तो ये था हमारे छोटे से गांव अमरकंटक की छोटी सी हमारा हिंदू नववर्ष बनाने का जो कार्यक्रम होता है वो था। और चलिए एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम लोग आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।